तो हेलो गाइस, आज हम खेलने वाले पोकेमोन यूनाइट। तो आप लोग पक्का सोच रहे होंगे कि इतने दिन बाद खेल रहा है, कब का ये गेम रिलीज हो चुका है। तो वैसे तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने का सोचा नहीं था, बट फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। और हाँ, ये जिस दिन रिलीज हुआ था मैंने उसी दिन डाउनलोड कर लिया था, मतलब मैं उतना नूब भी नहीं हूँ और मेरे पास काफी सारे पोकेमोन्स भी आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और मुझे इसमें से सबसे ज्यादा पसंद गार्चोम्प है, एंड आज का गेम प्ले हम गार्चोम्प लेके ही करेंगे। बट उससे पहले आप लोग यहाँ पे मेरी आईडी देख लो, यहाँ पे आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, मुझे, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो हाँ चलो फटाफट से गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस गेम में एक और बात है कि हम अपने टीम से सेम पोकेमोन नहीं ले सकते, तो हाँ इसीलिए मैं जल्दी से गार्चोम्प ले लेता हूँ, कोई और सेलेक्ट ना कर ले पहले मेरे से। तो वैसे तो आप में से काफी लोगों ने इस गेम को खेल लिया होगा क्योंकि ये 2 हफ्ते पहले ही आ गया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एपम को मार के थोड़े पोकेबॉल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे इतने सारे पोकेमोन अचानक से आ चुके हैं, मैं इनको फिलहाल के लिए नूब लग रहा हूँ, बट हम इनको आराम से मार लेंगे, हमारे साथ स्कॉर्बनी भी है। चलो कोई बात नहीं, अगर हम एक बार गार्चोम्प में इवॉल्व हो गए तो हम इनको पक्का मार लेंगे, अभी के लिए तो जाने देते हैं। और ना यहाँ पे सबसे मेन गोल करना होता है, सबसे पहले हम वही कर लेते हैं जिससे हमारे पॉइंट्स बढ़ेंगे। और भाई गोल करने के बाद यहाँ पे गैबाइट बैठा हुआ है, चलो इसको भी हम आराम से मार लेंगे, अभी ये तो गैबाइट ही अकेला ही है और हम दो हैं। ओ भाई, एडिटिंग में अब ये सारे पार्ट्स को कट करना पड़ेगा। तो चलो, 2 बार से मैं वार्म अप कर रहा था, इस बार तो हम पक्का मार लेंगे, मेरे साथ लुकारियो भी है। तो सामने फिर से गैबाइट आ गया और उसके साथ एक और पोकेमोन है, तो चलो हम उनको मारते हैं पहले। तो चलो चलो, किसी ने कुछ नहीं देखा तो अब मैं दूसरी साइड जाऊंगा, यहाँ पे बंदे हमेशा मार दे रहे हैं, और गोल करता हूँ जिससे मैं इवॉल्व हो जाऊंगा गैबाइट में। तो हाँ, यहाँ पे लेवल 6 पे आने के बाद गिबल इवॉल्व हो जाता है गैबाइट में। तो अब सबसे पहले तो हम जरूर को मारते हैं, भाई बहुत अच्छा खेलता है। और फिर हम यहाँ पे रैंडम पोकेमोन्स को मार के भी पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो वेस्पी क्वीन और कॉम्बी को मार लेते हैं जिससे हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अब फाइनली हमने दोबारा गोल कर दिया, तो शुरू में तो हम उतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, बट अब शायद लग रहा है कि हम जीत जाएंगे। और हाँ, जैसे कि मैंने सोचा था, यहाँ पे अच्छे टीममेट्स नहीं मिले जो कि साथ नहीं देते, बस वाइल्ड पोकेमोन्स या फिर रैंडम पोकेमोन्स को मारने आओ तो पॉइंट लेने आ जाते हैं। तो इसीलिए अब वाइल्ड पोकेमोन्स को ही मार के पॉइंट्स को कलेक्ट करके गोल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सारे ऑर्डिनोस को मार देते हैं। और यहाँ पे अचानक से जरूर आ गया, वैसे तो मेरे पास भी जरूर है, बट मुझे गार्चोम्प ज़्यादा पसंद, तो इसको भी मार लेते हैं, हम लोग काफी अच्छा खेलता है। और हाँ, गैबाइट या फिर गिबल उतने पावरफुल नहीं होते, बट जब वो एक बार गार्चोम्प में इवॉल्व हो जाता तो इजीली किसी को भी नॉकआउट कर सकता है। और स्पेशली इसका यूनाइट मूव सबसे ज्यादा तगड़ा है, मतलब जितने भी पोकेमोन्स को मैंने यूज किया उसमें से सबसे ज्यादा तगड़ा इसी का यूनाइट मूव है, अगर आप कंट्रोल कर पाओ तो। और भाई हमने उनके 2 गोल्स को भी तोड़ दिया और हम काफी बड़े लीड में है, तो होपफुली हम लोग ये मैच तो जीत ही जाएंगे। और यहाँ पे सामने गार्चोम्प गोल कर रहा है, तो हमको उनके पोकेमोन्स को भी रोकना होता है गोल करने से, ताकि वो लोग गोल ना कर पाए, सिंपली हमको एक अटैक करना होता है। तो इसको जल्दी से भगा देते हैं, पता नहीं यहाँ पे ग्रेनिंजा क्या कर रहा है। अरे वो एक्चुअली गार्चोम्प था और मैं गैबाइट था, वरना मैं उसको पक्का मार देता। और फिर दोबारा वही गार्चोम्प यहाँ पे है, तो इस बार तो हम इसको पक्का मारेंगे। भाई पिछली बार इसने बहुत बुरी बेइज्जती की थी और पूरी टीम भी हमारे साथ, और इसको, हाँ भाई अब हमने इसको मार लिया और मेरा गैबाइट भी इवॉल्व हो गया गार्चोम्प में, अब तो हमको कोई रोकने से जीत नहीं सकता। और फिर हमको इन पोकेमोन्स को भी मारना होता, शायद से बॉस पोकेमोन या फिर कुछ भी बोलते हैं इनको, तो इनको मारने से हमको 20 पॉइंट्स मिलता है जिसको हम गोल कर सकते हैं। तो इनको भी हम मार लेते हैं, मेरे साथ सिंड्रेस भी है। और यहाँ पे ड्रेडनो होता है जिसको हम 20 पॉइंट्स के लिए मार सकते हैं, एंड वहीं पे दूसरी तरफ रोटोम होता है। अब रोटोम ज्यादा अच्छा होता है बिकॉज वो हमारे साथ फाइट भी करता है एंड हमारे गोल्स को प्रोटेक्ट भी करता है। और यहाँ पे आपको टाइमर दिख रहा है जो कि शायद से जब 2 मिनट पे जाता है तो बीच में जैपडो स्पॉन होता है जिसको मार के हम काफी सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, वो एक तरह से इस गेम का बॉस है। और अभी के लिए तो उन्होंने हमारा एक भी गोल नहीं तोड़ा है और हमने 3-3 तोड़ दिया, तो हम डेफिनेटली जीत जाएंगे इस मैच को। और यहाँ पे सामने फिर से गार्चोम्प आ गया, यार सेम पोकेमोन जब आते हैं सामने वाले टीम में तो अलग ही रिवेंज लेने का मन करता है। और अब फाइनली 2 मिनट ही बचे और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे जैपडो स्पॉन हो चुका है, और शायद से अगर आप लास्ट के 2 मिनट पे गोल करते हो तो आपका गोल डबल हो जाता है, मतलब डबल पॉइंट गिना जाता है उसका। तो अभी तो हमको जैपडो वगैरह को मारने की जरूरत नहीं है, मैं ऑर्डिनो को मारता हूँ जब तक हमारे टीममेट ही जैपडो को मार लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 32 पॉइंट्स भी है, तो हम इसको भी गोल कर लेते हैं, शायद से हमको यहाँ पे 64 पॉइंट्स मिलेंगे। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे हमको डबल पॉइंट्स मिले हैं, मतलब कि जब जैपडोस अपीयर होता है तो हमको डबल पॉइंट्स मिलते हैं गोल करने के बाद। और सामने वाली टीम भी अचानक से बहुत गोल करने लगे, हमारे 2 गोल्स तोड़ भी दिए उन्होंने। और मैं तो यहाँ पे वाइट पोकेमोन्स को ही मार के थोड़ा सा अपना पॉइंट्स बढ़ाऊंगा, क्योंकि गेम प्ले भी डालना है भाई, कम पॉइंट्स में कैसे डालूंगा। और यहाँ पे आखिरी के 50 सेकंड्स बचे हैं, उतने में हमको 22 पॉइंट्स मिल गए, तो हम इसको भी गोल करके 44 पॉइंट्स और प्लस कर देते हैं। और सच में सामने वाली टीम ने काफी अच्छा कमबैक किया, उन्होंने भी हमारे 2 गोल्स तोड़ दिए, बट फिलहाल के लिए हमने 3 तोड़े तो हम ज्यादा आ गए उनसे। और हाँ, अब यहाँ पे मैंने
44 का गोल भी कर लिया है। और अब सामने से पिकाचू और जरूर आ रहे हैं, अब मैं तो इवॉल्व हो चुका हूं तो इजीली मैं उनको हैंडल कर लूंगा। और यहाँ पे मैच को खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 18 सेकंड बचे हैं और मेरा रिस्पॉन टाइम 35 सेकंड का है, तो इस हिसाब से तो मैं मैच के बाद ही स्पॉन होने वाला हूँ। अब फाइनली यहाँ पे मैच खत्म हो चुका है एंड हमने उनके एक गोल ज्यादा तोड़े, तो हम यहाँ पे होपफुली जीत जाएंगे। और हाँ, हम फाइनली जीत भी गए और काफी ज्यादा पॉइंट्स से जीते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में। और पूरे टीम के अंदर मैंने सबसे ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं जो कि है 172। हाँ, मुझे पता है ये उतने ज्यादा भी नहीं है, बट जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं कम ही पॉइंट्स कलेक्ट करता हूँ, पता नहीं क्यों। बट हाँ, अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आता तो मैं और भी ज़्यादा पॉइंट्स वाले गेम प्ले लाऊंगा, तो वीडियो को लाइक भी कर देना जिससे मुझे पता चले कि आपको ये पसंद आया या फिर नहीं आया है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ, अंटिल देन पीस आउट।